Hello. Hello, hello. 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 Ram Ram ji saryane. मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई के ज्ञान से तारा ठीक है, आवाज़ उज एक बार चेक करके बता दो सारे जने, आवाज़ उज का सिस्टम सही है कि, ताकि आप ही क्लास ना शुरू करा आगा। ठीक है भाई, इंडिया जीके के टॉप और इम्पोर्टेंट पर्सन करने वाले हैं आज की वीडियो का, मैं जो भी प्रीवियस ईयर का मैं तारे आयोड़े हैं, तारा एक डालता लाइव मॉक टेस्ट हो जाएगा, तामना नुबेरा पैट जाएगा, तारा ज्ञान कड़ा सिक्स है, कड़ा सिक तामा लो सो कड़ा सिक तारा के सांग्स है। ठीक से भाई, गुड इवनिंग भाई सारे थी, गुड इवनिंग संगरूरिया, हाँ जी क्लियर है आवाज़। ठीक है भाई, नया भारद्वाज राम राम, ज्योति चोपड़ा राम राम, मुकेश कुमार राम राम, ड्रीम लवर ओके है सर, ओके है। तो भाई शुरू कराँ भाई, इंडिया जीके की क्लास है आज, स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न के है भाई, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जावा है। ऊपर पोस्टर का ऊपर भी तामना थंबनेल का ऊपर भी वो प्रश्न देख लिया हुआ, लगभग सारे ने इसका आंसर भी मेरा है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नारोजी, जो दादा भाई नारोजी थे इनको भाई बड़े बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता था। बड़ा बूढ़ा आदमी का मतलब समझ गए, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इबारत आपने प्रश्न शुरू है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिस टाइम महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, वैसे मेनली जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली है, इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, वैसे किसने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, इन दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, लेकिन इब्न दे रखे चार ऑप्शन, किसने खिलाफत आंदोलन का तजुड़नता मना कर दिया था। ठीक है, नो बताओ भाई, किसना महात्मा गांधी का जो खिलाफत आंदोलन था उसमें जुड़नता मना कर दिया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, फटाफट बताओ भाई। सत्येंद्र श्रेणीनुगर राजस्थान वालों का जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भाई, सारें ती राम राम भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर साहिल चहर नुका है भाई कि ऑप्शन नंबर ए जसमीत जसमर मलिक ए, प्रीति सिंह ए, इतेश यादव ए भाई, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। इस ना भाई महात्मा गांधी का जो उनसे खिलाफत आंदोलन था इसका जुड़नता मना कर दिया था। प्रश्न हुआ खिलाफत आंदोलन शुरू किसने कराया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली दोनों भाई थे, मुस्लिम भाई थे, इन्ना मिल की खिलाफत आंदोलन शुरू कराया था। शुरू कराया क्यों था भाई, नुकों देवे मुसलमान ना थे भी हिंदुओं का बराबर समान अधिकार मिलने चाहिए, जैसे खिलाफत आंदोलन शुरू कराया गया था। पूछ ले को यहाँ शुरू हुआ था 1920 का में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था भाई। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे थी। ठीक है, अनिता लांबा नुका मेरी भी राम राम, सारे थी राम राम भाई। यो प्रश्न और बताओ, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ठीक है, चार ऑप्शन है, अनु बताने पे कौन सा क्रम का मैं, ये जो तीनों जने हैं ये भारत का में आए थे। ये जो UPSSC PET का जो पेपर होया था, ठीक है, PET का जो पेपर होया था यूपी का, ठीक है, UPSSC PET का पेपर आया था उसका मैं आ रहा था। यो प्रश्न भाई, इनको सही क्रम में आयोजित करें भाई, कौन सा भारत में पहला आया था। ठीक है, उस क्रम का मैं आयोजित करो भाई, बताओ। संगरूरिया नुका है कि मैं पंजाब का हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ थोड़ी वॉइस का, धन्यवाद भाई संगरूरिया। ठीक है, पूनम खान गुड इवनिंग भाई, बताओ भाई इसका आंसर बताओ भाई, फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी फास्ट। प्रदीप कुमार 231, पूनम खान सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, कैद कौन दिखता भाई। अभी राठी गुड इवनिंग भाई, इसका आंसर बताओ भाई के है, सी आओ भाई गणखरिया का, बिल्कुल सी करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी 231। 231 कुकर है भाई, सारे में पहला आया था फायान। फायान कौन था, फायान था एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था। एक यो प्रश्न भी आया, अगर भाई सारे में पहला जो बौद्ध सारे में पहला जो चीनी जो यात्री था वो कौन सा था जो भारत का में आया था, तो फायान था भाई। जो सारे में पहला जो चीनी यात्री था जो भारत में आया था वो था फायान। अनु पूछे अगर किसका टेम आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का टेम आया था भाई, किसका टेम आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का टेम आया था। यो प्रश्न भी आयोड़ा है,
ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम आया था, एज इट इज पर्सन इफ सी जी एल का पेपर का मैं आ रहा था, ठीक है, कि भाई जो फाय मतलब भारत के अंदर आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो फायान था, किसका टाइम का मैं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम आया था। अवेन स्वांग कौन था, अवेन स्वांग आया था हर्षवर्धन का टाइम में, ठीक है, अवेन स्वांग है वो भी एक चीनी यात्री था, ये चीन वाले थे, ये नुए हंडी जाया कर दे कुया भारत में आगे कुया किते राजा हर्षवर्धन का टाइम का मैं आया था भाई, चीनी यात्री अवेन स्वांग, ठीक है। उसका पता है टोमस रो था जो एक अंग्रेज अधिकारी था जेम्स प्रथम, ठीक है, जो एक अंग्रेज अधिकारी था जेम्स प्रथम, इसका राजदूत था टोमस रो, ठीक है, जो मुगल जो सम्राट था जहांगीर, सुना होगा नाम, अकबर का छोरा था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का दोहराया था यो, इसने सूरत फैक्ट्री खातर परमिशन मांगी थी, ठीक है, पर्सन यू आया कर भाई अंग्रेजा ना है वो सारे में पहला परमिशन किस मुगल सम्राट था मांगी थी फैक्ट्री लगाने खातर, जे उस जहांगीरता मांगी थी, और कौन गया था राजदूत बनकी, जेम्स प्रथम गया था जहांगीरता परमिशन मांगण, जहांगीर आई आदमी था सीधी परमिशन दे दी, परमिशन नहीं देता तो आज तक कदे अंग्रेजा का शासन नहीं आता अपना भारत में, ठीक से अकबर ये सही रहेगा, अकबर ना कौन दी परमिशन, लठ मारे कोई सा भी अंग्रेज आया तो सीधा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था, चार अंग्रेजा के नाम दिए गए हैं, इनमें तुम्हें बताना है भाई कौन सा अंग्रेज है वो हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था भाई, ठीक है भाई जल्दी से बताओ भाई पुनीत कश्यप 634 से 644 हरियाणा में रहा था वेन स्वांग, बिल्कुल भाई दीपक सेणी है, लो जल्दी से बताओ भाई इसका क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था, उमेश दहियानु का 65 नंबर बने मेरे यूपीपीईटी में, बढ़िया भाई जल्दी बताओ भाई, डिवाइन जीनियस गेमिंग राम राम भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, डलहौजी भाई बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है प्रदीप कुमार का, डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो डलहौजी था वो हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था, हड़प की नीति थी कि मतलब डलहौजी नू कराया करता जो करके भाई नू देख लेंदा भाई इसका तो अड़क कोई आदमी लोग सह को नहीं इसका, ठीक से तो चलो भाई इस राज्य ने हड़प लेवा, कोई जो कर रानी होंगी जिसका हस्बैंड मर रहा था, ठीक है, उसका उस पर कब्जा कर लेना, कह देना तेरा विवाह का तो कोई वारी ने इस पर कब्जा कर लिया, तो डलहौजी ने ये काम करे थे सारी उम्र भाई कुया उस पर कब्जा कर लिया, कुया उस पर कब्जा कर लिया, इस संबंधित जो फैक्ट याद रखने हैं वो कौन कौन से याद रखने हैं, भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, यो प्रश्न आया कर भारत में रेलवे का जनक किस्ती का जावे है, ठीक है, भारत में रेलवे का जनक है वो किस्ती का जाया कर है, डलहौजी थी भारत में रेलवे का जनक कया जाव है, ठीक है, पहला फैक्ट है यो। दूसरी बात जो पहली जो रेल चाली थी, ठीक है, बम्बई से थाने 1853 का है, बम्बई से थाने जो पहली जो रेल चाली थी, ठीक है, 1853 का है, वह भी किसका टेम्मा चाली थी, डलहौजी का टेम्मा चाली थी। तीसरी जो चीज़ है वह के याद रखनी है, डाक टिकट सबसे पहले जो डाक टिकट जारी हुई थी वो किसका टेम्मा हुई थी, सबसे पहले जो डाक टिकट जारी हुई थी वो किसका टेम्मा हुई थी, डलहौजी का टेम्मा हुई थी, डलहौजी था संबंधित यही चीज़ याद रखनी तारती प्रश्न आया करें इसी से डाल के कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा गया है, ठीक है, तो जिस टाइम डलहौजी भारत का गवर्नर बन रहा था उस टाइम उस थी भारत में रेलवे का जनक माना गया है, ठीक है, उसने खूब रेलवे लाइन की पटड़ी बिछाई है, ठीक है, और बम्बई से थाने तक की जो पहली रेल चाली 1853 ईस्वी में, ठीक है, वह भी इसका टेम्मा चाली है भाई, ठीक है, डाक का जनक है सारे में गणी, जो डाक टिकटा का जो चलन है पहली बार वो डलहौजी का टेम्पा चलिया था, ठीक है भाई, डलहौजी से संबंधित इतनी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न के सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, चार ऑप्शन दिए गए मैं सारे ना बेरा पाऊंगा, सिराजुद्दौला है वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था इसका बताओ भाई, रोशनी देवी नुकर रेलवे टार लाइन लैप्स पॉलिसी ट्रेन ऑल हैपन इन डलहौजी टाइम, बिल्कुल भाई, योगेश भारद्वाज रोड गांट रोड जनक के कहो, लव फ्रॉम यूके संदीप बेनीवाल, यूनाइटेड किंगडम तभी भी भाई अपना गेल बच्चे जुड़े उड़े हैं, संदीप बेनीवाल है यूनाइटेड किंगडम से जुड़िया हुआ है भाई, स्वागत करो भाई इसका, आप रिपीट कर रहे हैं पहले भी पूछा था ये कौन सा, सिराजुद्दौला पहला कद पूछ लिया भाई, प्रश्न तो ये भी आया है, बताओ भाई इसका आंसर क्या है, कोई बी कोई ए बतावा है,
भाई ऑप्शन नंबर कोई सी भी बताओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, प्लासी का युद्ध में, ठीक है, सिराजुद्दौला है वो प्लासी का युद्ध का मैं आ रहा था पर्सन, अरे तारे फिक्स पर्सन हैं भाई, जड़े जड़े पर्सन उठा कर फिर भी गलत करके आओ तो, प्लासी का युद्ध का सन पूछा अगर है 1757 में, पूछा अगर प्लासी का युद्ध कोई आया 1757 ईस्वी रट लियो, ठीक है, किस किस का बीच में आया था, सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, फिक्स पर्सन है और तो कि मैं सही को नहीं, ठीक है, और वर्सेस एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम तो था उसका क्या नाम था, सिराजुद्दौला था, अरे एक वो अंग्रेजा का था, नाम मेरा उसका ध्यान को नहीं भाई क्या नाम था, किसी ने मेरा तो कमेंट करके बताइयो, नाम तो था भाई उसका के था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव रहे, रॉबर्ट क्लाइव याद देखो नहीं रहा भाई, याद ध्यान दो के मेरा कद पड़े थे भूल रहा हूँ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों का बीच में आया था प्लासी का युद्ध, पर्सन यो भी आया करे कि भाई प्लासी के युद्ध के अंदर जो अंग्रेजों की तरफ से जिसने सेना का नेतृत्व कराया था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, प्लासी का युद्ध किस किस का बीच में आया था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का बीच में आया था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, चार ऑप्शन दिए गए, भारतीय इतिहास के अंदर धन्वंतरी के नाम से किसे जाना जा है, यो प्रश्न पूछा गया भाई बताओ भाई, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी के नाम से किसे जाना जा है, यो प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई, फास्ट, घनी बाट नहीं देखनी, जल्दी, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, सुमित मैलान, राम राम भाई, सोनू अलावत, राम राम, जल्दी बताओ भाई, कानव गेमिम भाकर 1764, रोशनी देवी बी, सोनिका यादव बी, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इनकी जो सभा थी उसके उसको सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे भाई, ठीक है, उनका क्या नाम था जिनको भारतीय इतिहास का धन्वंतरी के नाम से जाना जावा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो सभा थी उसके अंदर एक चिकित्सक थे भाई, ठीक है, तो इसको इनको भारतीय इतिहास के धन्वंतरी के नाम से जाना जा। अगला प्रश्न क्या है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं, इंडिका या बुक भी बहुत बार रिपीट होली और आई बार रिपीट हुआ है, इसके लेखक का नाम बता दो, जो इंडिका जो बुक थी मौर्यकालीन भारत की इसके लेखक कौन है इंडिका के, ठीक है भाई, बेरोना चीजम आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आ लिया है, और दीपनागर नोगा यूके का मतलब उत्तराखंड है, अच्छा भाई बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, इंडिका के लेखक कौन कौन थे भाई जो मौर्यकालीन भारत के अंदर आई थी, लगभग का आंसर आ गया है भाई ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल भाई मेघस्थनीज, यो मेघासथनीज को नहीं, गलत टाइप हो रहा है, मेघस्थनीज है, जो मेघस्थनीज है, मेघस्थनीज यो इंडिका का राइटर था, ठीक है, मौर्य जो मौर्यकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य और का टेम का था भाई यो, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और का दरबार में रहा करता, ठीक है, और मेघस्थनीज है ये इंडिका बुक का राइटर था, बहुत बार प्रश्न पूछोड़ा है फिर भी इसने गलत करके आऊंगे, बेरा नहीं केक खाएगी, जाओ सो पेपर। मागला के साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था भाई, साइमन कमीशन वो भारत के अंदर प्रथम बार क्यों आया था, ये यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी का मैं आयोड़े प्रश्न है ये, ठीक से तारी प्रैक्टिस कराऊ हूँ, तारा ज्ञान चेक करूँ कि मैं आओ भी को नहीं आंदा, साइमन कमीशन ही तमनू अंदाजा लगा सको पेपर में ये प्रश्न आओ नुक्के नू कि मैं नया सांग बांग को नहीं आंदा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था बताओ भाई। महाकाल एक शायरी लिखा, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए भाई, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, आद्या का आंसर आ गया है उमेश चौधरी नुका 1919, वाह भाई वाह लागदर मैन के धरती भी 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 1928 का मैं साइमन कमीशन पहली बार भारत का मैं आया था, इसका साइमन नाम कैद था जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था साइमन, ठीक है सर जॉन साइमन नाम था उसका नाम था जॉन साइमन नाम था, ठीक है और इसका नेतृत्व में इस साइमन कमीशन का गठन कराया गया था, ठीक है तो इसलिए इस कमीशन का नाम के टेक दिया साइमन कमीशन,
और इस तरह संबंधित क्या याद रखना है, सात लोगों की कमेटी थी, पर्सन है जो कितने लोग थे इस कमेटी का, साइमन कमीशन में सात लोगों की कमेटी थी, ठीक है। और इस कमेटी का मैं इसका विरोध क्यों होता भाई, जो करता हमने सुना होगा साइमन कमीशन वापिस जाओ इस डाल के नारे लगाए थे, तो इस कमेटी का विरोध क्यों हुआ था, क्यों विरोध इसलिए हुआ था भाई, इसका मैं एक भी भारतीय नागरिक नहीं था, ठीक है। साइमन कमीशन की कमेटी के अंदर एक भी भारतीय नागरिक नहीं था, इसलिए इस कमेटी का विरोध होने लग रहा था खूब जोर शोर से। लाला लाजपत राय इसके अंदर शहीद हो गए थे, लाला लाजपत राय भूडी डाल लग रहा था साइमन कमीशन वापिस जाओ अंग्रेजा ने हमारी माथा में लठ, लाला हो गया साहब बेराई ने पाटिया, लाला लाजपत राय था भी कौन था, क्यों भाई ये लाठी लूठी तो था मैंने बेरा पुलिस जिदे चार्ज कर दिया करें है, तो उस टाइम कर दी लाठी चार्ज, तो भाई जो थे भाई लाला लाजपत राय वो शहीद हो गए। अगला प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। बताओ भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की मांग करी गई थी, यो बताओ भाई कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था भाई जिसका मैं ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की मांग करी गई थी, उस अधिवेशन का नाम बताओ भाई फटाफट। कांग्रेस के कौन से प्रीत आनंद नुगर सोनिया की तरफ से राम राम, वाह भाई वाह मान गए भाई। प्रियंका राणा नुगर गाइज डेली होती है क्या क्लास, हाँ भाई गाइज डेली हो है क्लास, क्लास के अंदर समस्या उत्पन्न होगी है, सही है के बीच में रुक गई थी भाई, बताओ भाई बताओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, बिल्कुल लाहौर, ठीक है। जोनसा कांग्रेस का जोनसा लाहौर अधिवेशन था भाई, ठीक है, इसका मैं ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, कुछ खराबी होगी, एरर यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग एनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग, भाई कुछ खराबी होगी है भाई, हेलो हेलो बफरिंग होगा के भाई, बीबी बफरिंग बीबी होगा के भाई, जल्दी से बताओ भाई बफरिंग बीबी होगा के, इस मास की मैं खराब भी होगी मेरा नहीं के, यो मेरा ससुरा जिस दिन काम का टाइम उससे दिन इसका मैं बफरिंग होगी खड़ी हो जाए है, जल्दी बताओ भाई। नेट नहीं भाई, नेट स्लो को नहीं हुआ भाई, नेट सही है अपना, ठीक है, इस सिस्टम का मैं कि मैं खराब भी होगी है, एक बार बताओ भाई ये सिस्टम सिस्टम सही है कि सारा, अगर क्लियर हो तो आप स्टार्ट करा भाई आगा करा भाई, देखो भाई दिखूंगे मैं नोगा बफरिंग होने लग रही है, ये बार बताओ भाई दिखता हूँ तो मैं स्टार्ट करूँ, आ गया भाई दिखूंगे, ओके है तो स्टार्ट करा भाई, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई, कई बार ये यूट्यूब वाले दिमाग की दही करते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था भाई, काकोरी षड्यंत्र केस था उसका में कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था, यो प्रश्न दागया गया है भाई फटाफट बताओ भाई, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र था उसका मैं कौन सा संगठन शामिल था, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ भाई फटाफट, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, जल्दी बताओ भाई। इतना मैं तारती हूँ बता दूँ, काकोरी जो षड्यंत्र था यो था के यो भाई एक रेल जाया कर दी और उसकी लुट्या था भाई, ठीक है, एक रेल थी वह लुट्टी थी, ठीक है, तो इसी बोले हैं काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, इसका हमें कौन सा शामिल था संगठन, हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था वो इसका हमें शामिल था काकोरी षड्यंत्र का हमें भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई सारे का सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा मैं फटाफट करवा दूँ, मैंने दिखा है इसके ढंग से बंद हो गए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, चार ऑप्शन दिए गए, नागार्जुन जो सागर बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसका आंसर दो भाई फटाफट सी, जल्दी जल्दी मारो प्रश्न बगा बगा की मेरी छाती पे, ठीक है। सुमित मैलान का सर मैथ करवा दो, करवावांगे भाई, टाइम कौन लागता है यार मैं थोड़ा घना बिजी रहूँ हूँ,
जल्दी बताओ भाई, रेल को लुटिया था योगेश भारद्वाज? बिल्कुल भाई, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? फटाफट आद्या का आंसर आ गया है, कोई बी बताओ कोई डी बताओ है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी यो बांध पूछ ले, बांध है कड़े यो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आगा में शामिल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आड़े यो बांध स्थित है, ठीक है। प्रश्न नो भी आ जाए कौन सा उसका में स्थित है, राज्य का हमें पूछ ले, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हमें यो स्थित है कौन सा, कृष्णा नदी का ऊपर जोन सा बांध है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है भाई, अगला क्या है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी भाई? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस टाइम हुई थी? तो ना बेरा आई साले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी जाए हम बालक, तो इन्होंने पूछा है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई है वो कौन सा साल में हुई थी, वो प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए, मैं फटाफट आंसर दागो भाई। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई को यहाँ हुई थी, मानसू शर्मा होगा, इंग्लिश की करवा दो, प्रेपोजिशन की क्लास भाई करवा देंगे, सारी की सारी क्लास करवा देंगे। मैं एक आदमी यार, मैं एक अला के करवाऊँ, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई है वो किस वर्ष की गई थी, वो प्रश्न पूछा गया है, जल्दी बताओ भाई। प्रियंका राणा 53, अर्श कपूर बी, हिमांशु शर्मा 53, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए भाई। 1953 का में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करी गई थी, दो जने ना करी थी। प्रश्न आ जाए कितने जने चढ़े थे सारे हम पहली बार माउंट एवरेस्ट पर? दो जनों ने की थी भाई माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई। कौन कौन थे? एक तो था न्यूजीलैंड का, ठीक है, एक तो था न्यूजीलैंड का, स्पेलिंग सुपुलिंग मनान दिखो नहीं देख लियो, और दूसरा था जापान का, ठीक है। दो जने थे, इन दोनों आना पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी 1953 का में, एक था न्यूजीलैंड का और एक था जापान का, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा करंट अफेयर भी करवावांगे भाई, पेपर का लोहा लाग दे करवा दे, तो हम टेंशन ना लो। बिलाई इस्पात संयंत्र के लो ऐसक का स्रोत है, यो प्रश्न नुक्का नु आ रहा था यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी, यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी का मैं नुक्का नु प्रश्न आ रहा था। यो जो बिलाई इस्पात संयंत्र है इसके अंदर जो लो ऐसक है इसका स्रोत कौन सा है, यो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कई बार उन्होंने भी पूछोड़ा प्रश्न है भाई, जो बिलाई इस्पात संयंत्र है यो है कड़ स्थित, ठीक है भाई। तो जल्दी बताओ भाई इसका क्या आंसर आओगा। प्रतिभा यादव का हिंदी को भूल गए भाई, पेपर का ताम टेंशन ना ले, पेपर था पहला सबकी मैं करवाई दूँ, हिंदी भी करवाई दूँ, इंग्लिश भी करवाई दूँ, मैथ भी करवाई दूँ, रीजनिंग की भी क्लास होगी, हरियाणा करंट अफेयर भी होगी, तो टेंशन क्यों ले हो, टेंशन ना ले सबकी मैं करवाई देगा। सुमित मेलन सर अंजलि आएगी के, पवन भाटी साहब जी नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हूँ, आ जा भाई स्वागत है। जल्दी बताओ भाई, दिल्ली रजहरा मनोज कुमार का आंसर आ गया भाई, बिल्कुल सही करेक्ट है, दिल्ली रजहरा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाइए। बिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य स्रोत है बिलाई इस्पात संयंत्र है, यो है कड़ स्थित, पहली बात तो यो पूछी जाए अगर है, बहुत बार आयोड़ा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का में स्थित है बिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। और इसका मैं जो लो ऐसक है इसका स्रोत कौन सा है, दिल्ली राजहरा, यो भी छत्तीसगढ़ का में स्थित है, यो भी कड़ स्थित है छत्तीसगढ़ का में स्थित है दिल्ली राजहरा भी, ठीक है। और यो क्या का मतलब मुख्य जो लो ऐसक है उसका स्रोत है भाई। अगला प्रश्न की है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन है वो कौन सी संस्था करे अगर है, यो प्रश्न पूछा गया, इसका बताओ फटाफट आंसर। पवन शर्मा राम राम भाई, एस एच ओ नरवाणा फोन बड़े ले आओ गुरुजी भाई, इब बड़े बड़े इब तमनू बताओ इबनू दिखावा करण का के फायदा, मैं एप्पल आईफोन भी लिया सी कूँ इमाडन एप्पल आईफोन हाथ में ले लेके नू दिखाऊँ उसका कोई फायदा को नहीं होता, नू दिखाने का के फायदा, मेरा दौरा एप्पल आईफोन से, मेरा दौरा बुलेट से, मेरा दौरा नूस है नूस है, उसका कोई धन को नहीं होता। अपना सीधी लाइफ सिंपल लाइफ जियो, एप्पल आईफोन में कि मैं न्यारे फंक्शन थोड़ी चल रहा उसका मात देती है ऐप तो चल दे भी को नहीं, फिर न्यारा दो दो फोन रखने पड़े हैं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट सी, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कई जने नीति आयोग कहो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है यो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कराया करे, ठीक है भाई।
इसका नाम याद रखना है भाई, क्लास बीच में बंद हो जावे तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बंद हो सीखा या कुया भी, इसकी कोई गारंटी को नहीं है, इसमें कई बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लियो। अगला के सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, जो सेवा क्षेत्र हुआ है वो किस श्रेणी का मैं आऊँ, तृतीय श्रेणी का मैं आऊँ, प्राथमिक का मैं आऊँ, द्वितीय का मैं आऊँ, या कृषि का मैं आऊँ है, यो प्रश्न पूछा गया। सेवा क्षेत्र का मतलब समझ गए, बजुकर ताम जुकर एज ए पुलिस मैन किसी की सेवा करोगे, या फिर डॉक्टर का रूप में किसी की सेवा करो, ठीक है, या फिर जैसे जुकर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का मैं लाइक उस तम जनता की सेवा करो, तो उसकी बोलो सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र है ये कौन सी श्रेणी का मैं आऊँ है, यो प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। सेवा क्षेत्र है वो कौन सी श्रेणी का मैं आवा है, जल्दी बताओ भाई फटाफट। आद्या का आंसर आ गया है भाई प्रियंका सिंह, बी ज्योति दैया, ए जल्दी बताओ भाई सुमित चौहान, ए बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए भाई, तृतीय श्रेणी के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, तृतीय यानी कि थर्ड कैटेगरी का मैं आऊँ है सेवा क्षेत्र। जितने भी कोई भी कुएं भी नु पूछ ले हुआ है कि भाई जो उनसे पुलिस का काम होता है ये कौन सी श्रेणी का मैं आवा है, कोई भी सरकारी नौकरी का पूछ ले वो सारे के सारे तृतीय श्रेणी का मैं आवा, थर्ड उसका मैं, ठीक है भाई। कृषि कौन सा का मैं आवा, प्रथम श्रेणी का मैं आवा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जावा है, चार ऑप्शन दिए गए भाई, व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का बेरा आवाज देना बेरा कौन, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन है जो श्वेत क्रांति है, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है, बताओ भाई फटाफट बताओ भाई। बताओ भाई भारत में सपना चौधरी नु कहा है भाई, सपना चौधरी देखो अपने लिए कितनी एक गर्व की बात है, सपना चौधरी है वो भी अपनी क्लास के अंदर जुड़ी हुई है भाई, और सपना चौधरी नु कहा है आपकी क्लास में आवाज़ नहीं आती भाई। उस टाइम शुरू शुरू में लाइव स्ट्रीम करने लग गया था, मैंने इसका सिस्टम का बेरा नहीं था, थोड़ा बहुत सिस्टम समझ में आया है तो इब आवाज़ का मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है भाई। सपना चौधरी बताओ भाई इसका क्या आंसर आओगा, गणखरिया का बी आओ है भाई, योगेश का भी बी आया है, अजय का भी बी, ऑप्शन नंबर बी भाई बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जा हैं। उसके अलावा जो बलवंत राय मेहता है, इनकी समिति ने पंचायती राज से संबंधित कार्य किया था, ठीक है। प्रश्न आया अगर वह पंचायती राज से संबंधित, यो ग्राम सचिव का मैं भी आयोड़ा है, पंचायती राज जो व्यवस्था है उससे संबंधित जो काम किया था वो किसकी समिति ने किया था, बलवंत राय मेहता की समिति ने किया था। और जो एम एस स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक पूछ ले भाई, हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति का हमें दूध का उत्पादन बढ़ाया गया था, हरित क्रांति का हमें किसका उत्पादन बढ़ाया गया था, अनाज का उत्पादन बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे भाई, ठीक है भाई। जिस टाइम 1991 का सीजन चालन लग रहा था उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है भाई, ठीक है भाई जल्दी बताओ भाई। क्रिएटिविटी ट्रैक नु का प्रांजल दैया भी आएगी भाई, कजलब नीरानी, कजलब कजालब नीरानी, मेरा भी नाम बोल दो भाई, करड़ाए नाम है तेरा तो बोल लिया कुंजा। अगला के है मनीषा राजपूत नु का है ओ सेटिंग रुक जाओ, एस एच ओ नरवाणा नु का आपकी सेटिंग है गुरुजी ना रहे, सेटिंग होंगी आड़ा थोड़ी ना पढ़ाता पाता, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थे भाई, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, पीवी नरसिम्हा राव, 1991 का काम है प्रधानमंत्री बने थे, 1991 तक इनका सीजन शुरू हुआ है। उसका बाद कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये प्रधानमंत्री बने थे भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची से संबंधित हैं, यो प्रश्न में ना मतलब जिस टाइम इंडिया जीके करवाया करता बहुत बार पढ़ाए हैं, तीन डाल की सूची हुए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इवन पूछा गया मैंने विषय भी बताए उड़े न्यारे न्यारे, इवन पूछा गया राज्य सूची से संबंधित कौन सा कोनी, यो बताओ भाई कौन सा कोनी, ठीक है। एक प्रश्न यो आया अगर भाई जो ये सूची हुए हैं ये संविधान का कौन सा उससे संबंधित हैं, कहता हुआ अगर कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो संविधान की सातवीं अनुसूची
संविधान की सातवीं अनुसूची ता संबंधित है भाई, जितनी भी सूची है ये जो करके समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, यो प्रश्न आया करे, ये सातवीं अनुसूची ता संबंधित है। और राज्य सूची है तीन डाल की सूची हो है, और इसका मैं जो राज्य सूची है उसका मैं कौन सा मटेरियल को नहीं आता, यो प्रश्न पूछा गया है भाई। नीरज सहरावत डी, सिन्नू दैया डी, पुनीत कुमार आई पी सी डी, मनीषा सांगवान पुलिस, भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो दंड प्रक्रिया संहिता है या समवर्ती सूची का भाग है भाई, या किसका पार्ट है, समवर्ती सूची का भाग है, समवर्ती सूची का पार्ट है जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है। बाकी के जोन से तीनों हैं ये राज्य सूची के पार्ट हैं, पुलिस कानून व्यवस्था और जेल, ये किसके पार्ट हैं, राज्य सूची के पार्ट हैं। कई बार नो पूछ ले भाई पुलिस है, जो तारा पुलिस का पेपर है तो नो पूछ ले भाई पुलिस है वो कौन सी सूची के अंदर आवे है, तो राज्य सूची का पार्ट है भाई पुलिस, ठीक है भाई। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है। चार ऑप्शन इस डाल के प्रश्न भी आवे हैं कि भाई इनका मतलब कौन से भारतीय संविधान की विशेषता कौन ही बताओ भाई, कौन सी है वो भारतीय संविधान की विशेषता कौन ही भाई, जल्दी बताओ भाई फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी। एस एच चंद्रवाणा नुक तालिबान का पेपर कब होगा, पेपर देने की जरूरत कौन है, सांझ ना जहज पकड़ लिए और मार जाए अफगानिस्तान में डाक, जानते मुख्यमंत्री का पद तो मिले जागा, जल्दी बताओ भाई। उषा आंटी लेखा में पानी लिया ही नुका है, मेरा भी नाम बोल दो, हमने कौन सा गुनाह किया है, वाह भाई वाह, जल्दी बताओ भाई फटाफट। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाए भाई, अर्धसंघीय संरचना, ऐसा कुछ नहीं है अपने संविधान के अंदर। बाकी तीनों के तीनों पार्ट है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, न्यायतंत्र भी अब अपने देश के प्रति मतलब वैसे काम करने वाला है, शक्तियों का वितरण है यो भी संविधान का मेन पार्ट है भाई, मतलब यह केंद्र सरकार का पास शक्ति है, ये राज्य सरकार का पास है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न के निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, चार ऑप्शन दिए गए भाई, इनका मतलब कौन सी चीज है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं वो बताओ भाई। इस डाल का प्रश्न भी आया उड़ा है, जल्दी बताओ भाई फटाफट, जल्दी आंसर मारो, गणी बाट नहीं देखी जाती। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यो प्रश्न तो है लिया, बताओ भाई निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। विक्रम शर्मा भाई, राम राम भाई, जल्दी बताओ भाई। रवि सैनी सी, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ये हैं ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। अब इसका मैं कई जने मौलिक अधिकार ठोक के आऊँगे, कई जने मौलिक कर्तव्य ठोक के आऊँगे, गण खरेक जने जिन्ना नहीं पढ़ रखे ना, जो तुक्केबाज हुए हैं वो लगभग 99% ये दो ऑप्शन ठोक के आऊँगे जो कि पूर्णतः गलत होंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये के हुए हैं, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं भाई, ठीक है। देखो ये भी लाग रहे गण खरे, एक ए ऑप्शन फकान लाग रहे गण, ए फुकाम पवन वर्मा ए, पवन राठी ए, ठीक है। अमित अमित ना तो भाई साहब ने लिख के बता दिया, मौलिक अधिकार लाग रहे हैं बूंदी डाल। अगला बताओ भाई, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देशित करता है, ठीक है भाई। चार ऑप्शन देनु बताना भाई, कौन सा जो अनुच्छेद है वो बेनू मतलब कि राज्य सरकार तीनों को भाई कि ग्राम पंचायत का भी गठन करो, ठीक है। ग्राम पंचायत हों जो कि मतलब गाँव का लेवल पर जो विकास कराया करें, ठीक है, उनका गठन करने खातर संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यो काम करवाया करें, बताओ भाई जल्दी बताओ भाई फास्ट, जल्दी 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 बताओ। लगभग आगा भाई ऑप्शन नंबर बी आओ भाई, बिल्कुल सही करेक्ट है भाई, अनुच्छेद 40 के तहत भाई, अनुच्छेद 40 के तहत भाई भारतीय संविधान के अंदर के है भाई कि जो राज्य सरकार हैं उनते भाई गाँव का लेवल का ऊपर भी इनका पंचायत का गठन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न के है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, इबेबे इसका आंसर भी बताया था थोड़ी देर पहले, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका विचार किसने रखा था, जल्दी बताओ भाई। इबेबे बताया था थोड़ी देर पहले, फास्ट
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਯੋ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਲੂ ਦਲਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਸਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੈ ਗੰਡਾਸਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੈ ਆ ਜਾ ਜੇ ਸੈਨੀ ਕਾਟਣੀ ਹੋ ਤੋ ਕੋਮਲ ਖੰਨਾ ਸਰ ਅਜੀਬ ਸਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿਆ ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਆਪ ਨਾਮ ਲੋ ਬੋਲਤਾ ਤੋ ਕੇਵਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਹੈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅੜ ਕੇਵਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਹੈ ਪੰਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਖਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਗਰੜ ਗੜ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉਂ ਪਸੀਨਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਮਰੇ ਰਹੋ ਪੰਖਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨੈਕਟ ਆਏਗੀ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ ਰੇਂਜ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਬੇ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦਿਆਂ ਬਫਰਿੰਗ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਭਾਰਤ ਕਾ ਸਭਸੇ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰਾ ਹੈ ਗੋਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਈ ਗੋਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਥੰਡਰ ਡਰੈਗਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀਏ ਗਏ ਬਈ ਕੌਣ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਥੰਡਰ ਡਰੈਗਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਅੜੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਤਾਓ ਬਈ ਕੌਣ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਥੰਡਰ ਡਰੈਗਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਬਤਾਓ ਬਾਈ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਥੰਡਰ ਡਰੈਗਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭੂਟਾਨ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਕੋ ਥੰਡਰ ਡਰੈਗਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਐਂਗ ਮੋਨੂ ਜਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਐਂਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਆਏਗੀ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਫਰਿੰਗ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਬਫਰਿੰਗ ਬਫਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੀਓ ਬਫਰਿੰਗ ਬਫਰਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਂਡਾ ਲੈ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈ ਲਈ ਬਫਰਿੰਗ ਬਫਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੂੰ